पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ है फिर से जागना। 14वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में यूरोप में जो सांस्कृतिक व धार्मिक आंदोलन हुए व युद्ध हुए उन्हें ही पुनर्जागरण कहा जाता है। पुनर्जागरण उस बौद्धिक आंदोलन का नाम है जिसने रोम और यूनान की प्राचीन सभ्यता तथा संस्कृति को पुनर्जागृत कर नई चेतना को जन्म दिया, जिसके फलस्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवीन चेतना आई। यह आंदोलन केवल पुराने ज्ञान को पुनर्जीवित करने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि नए युग में कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में नवीन उपयोग करने के लिए भी हुआ था। नए शोध हुए और ज्ञान की प्राप्ति के नए तरीके खोजे जाने लगे। इसने परलोकवाद और धर्मवाद के स्थान पर मानवतावाद को प्रतिष्ठित किया। पुनर्जागरण वह धार्मिक आंदोलन था जिसके द्वारा पश्चिम के राष्ट्र मध्य युग से निकलकर आधुनिक युग के विचार और जीवन शैली अपनाने लगे। यूरोप के निवासियों ने भौगोलिक, व्यापारिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति की। इस युग में लोगों ने मध्यकालीन संकीर्णता छोड़कर स्वयं को नई खोजों, नवीन विचारों तथा धार्मिक व सांस्कृतिक, सामाजिक और बौद्धिक उन्नति से सुसज्जित किया। प्रत्येक क्षेत्र में सर्वथा नवीन दृष्टिकोण, आदर्श और आशा का संचार हुआ। साहित्य, कला, दर्शन, विज्ञान, वाणिज्य, व्यवसाय, समाज और राजनीति से भी धर्म का प्रभाव समाप्त हो गया। इस प्रकार पुनर्जागरण उस बौद्धिक आंदोलन का नाम है जिसने रोम और यूनान की प्राचीन सभ्यता संस्कृति को पुनर्जीवित कर नई चेतना को जन्म दिया। कुस्तुनतुनिया का पतन। 1453 में उस्मानिया तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। कुस्तुनतुनिया ज्ञान विज्ञान का केंद्र था। तुर्कों की विजय के बाद कुस्तुनतुनिया के विद्वान भागकर यूरोप के देशों में शरण लेते हैं। उन्होंने लोगों का ध्यान प्राचीन साहित्य और ज्ञान की ओर आकर्षित किया। इससे लोगों में प्राचीन ज्ञान के प्रति श्रद्धा के साथ साथ नवीन जिज्ञासा उत्पन्न हुई। यही जिज्ञासा पुनर्जागरण की आत्मा थी। कुस्तुनतुनिया के पतन के कारण यूरोप और पूर्वी देशों के बीच व्यापार का स्थल मार्ग बंद हो गया। अब जल मार्ग से पूर्वी देशों में पहुंचने का प्रयास होने लगा। इसी क्रम में कोलंबस, वास्को डिगामा और मेलगन ने अनेक देशों का पता लगाया। प्राचीन साहित्यों की खोज होने लगी। 13वीं व 14वीं शताब्दी में विद्वानों ने प्राचीन साहित्यों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। इसमें पेट्रॉक, दांते और बेकन के नाम उल्लेखनीय हैं। विद्वानों ने प्राचीन ग्रंथों पर विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया और लोगों को विषयों से परिचित कराने का प्रयास किया। पेट्रॉक की लेखनी के चलते ही उन्हें मानवतावाद का पिता कहा जाता है। मानवतावादी विचारधारा पर भी पुनर्जागरण का प्रभाव पड़ा। यूरोप की मध्यकालीन सभ्यता कोरी आदर्श पर आधारित थी। सांसारिक जीवन को मिथ्या बताया जाता था। यूरोप के विश्वविद्यालयों में यूनानी कला का अध्ययन होता था। रोजर बैंकर ने अरस्तु की प्रधानता का विरोध किया और तर्कवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इससे मानवतावाद का विकास हुआ। मानवतावादियों ने चर्च और पादरियों की कट्टरता की आलोचना की। पुनर्जागरण का धर्म पर भी प्रभाव पड़ा। लगभग 200 वर्षों तक पूर्व और पश्चिम के बीच धर्म युद्ध चला। धर्म युद्ध के योद्धा पूर्वी सभ्यता से प्रभावित हुए। आगे चलकर इन्हीं योद्धाओं ने यूरोप में पुनर्जागरण की नींव मजबूत की। जागरण के कारण ही सामंतवाद का ह्रास हुआ। सामंतवादी प्रथा के कारण किसान, व्यापारी, कलाकार और साधारण जनता को स्वतंत्र चिंतन करने का अवसर नहीं मिलता था, किंतु सामंतवादी प्रथा के पतन के कारण जनजीवन संतुलित हो गया और शांति तथा व्यवस्था कायम हुई। शांतिपूर्ण वातावरण में लोग साहित्य, कला तथा व्यापार की प्रगति की ओर ध्यान देने लगे। सामंतवाद के ह्रास का महत्वपूर्ण परिणाम राष्ट्रीय राज्यों का विकास था। लोगों में राष्ट्रीय चेतना का भी जन्म हुआ। पुनर्जागरण का व्यापार और नगरों के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान है। पुनर्जागरण का सबसे महत्वपूर्ण कारण वाणिज्य व्यापार का विकास था।
नए नए देशों के साथ लोगों का व्यापारिक संबंध कायम हुआ और उन्हें वहां की सभ्यता संस्कृति को जानने का अवसर मिला। व्यापार के विकास के नए व्यापारिक मार्ग को जन्म दिया। व्यापारी वर्ग ने चिंतकों, विचारकों, साहित्यकारों और वैज्ञानिकों को प्रशय दिया। इस प्रकार व्यापारिक वर्ग की छत्र छाया में ज्ञान विज्ञान की प्रगति हुई। व्यापार के विकास से नए नए शहर बसे। इन शहरों में व्यापार के सिलसिले में अनेक देशों में लोग यात्राएं करते थे। इसके बीच विचारों का आदान प्रदान होता था और विचारों के आदान प्रदान से जनसाधारण में बौद्धिक विकास हुआ। पर जागरण के कारण ही यूरोप वासियों का पूर्व से संपर्क बढ़ा। जिस समय यूरोप के निवासी बौद्धिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे, उस समय अरब वाले एक नई सभ्यता और संस्कृति को जन्म दे चुके थे। अरबों का साम्राज्य स्पेन और उत्तरी अफ्रीका तक फैला हुआ था। वे अपने साम्राज्य विस्तार के साथ साथ ज्ञान विज्ञान को भी फैला रहे थे। अरबों से संपर्क के कारण पश्चिम वालों को भी लाभ हुआ। पुनर्जागरण के कारण मध्यकालीन पंडित पथ की परंपरा अरबों से प्राप्त ज्ञान को आधार मानकर यूरोप के विद्वानों ने अरस्तु के अध्ययन पर जोर दिया। उन्होंने पंडित पथ परंपरा चलाई। इसमें प्राचीनतावाद तथा प्रमाणिकतावाद की प्रधानता थी। प्राचीन साहित्य को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। विभिन्न भाषाओं में प्राचीन साहित्य का अनुवाद किया गया। इस विचार पद्धति में अरस्तु के दर्शन की प्रधानता थी। पुनर्जागरण के कारण कागज और मुद्रण कला का आविष्कार हुआ। पुनर्जागरण को आगे बढ़ाने में कागज और मुद्रण कला का योगदान महत्वपूर्ण था। कागज और मुद्रण कला के आविष्कार से पुस्तकों की छपाई बड़े पैमाने पर होने लगी। अब साधारण व्यक्ति भी सस्ती दरों पर पुस्तकें खरीद कर पढ़ सकता था। पुस्तकें जनसाधारण की भाषा में लिखी जाती थी, जिससे ज्ञान विज्ञान का लाभ जनसाधारण लोगों तक पहुंच सके। लोग विभिन्न विचारों और दार्शनिकों के व्यक्तित्व से अवगत होने लगे और उनमें बौद्धिक जागरूकता आई। पुनर्जागरण के कारण कला का विकास भी हुआ। जिस प्रकार यूरोप के विद्वानों ने 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक प्राचीन रोमन एवं यूनानी साहित्य के प्रति बड़ी रुचि दिखाई, उसी प्रकार कलाकारों एवं शिल्पियों ने भी प्राचीन ललित कलाओं से प्रेरणा प्राप्त की। मध्ययुगीन यूरोप की कला मुख्यतः ईसाई धर्म से संबंधित थी, परंतु साहित्य एवं प्राचीन सभ्यता के प्रभाव स्वरूप 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में यूरोपीय कला का महान रूपांतर एवं परिवर्तन हुआ। अब कला पर साहित्य व प्राचीनता की छाप स्पष्टता दिखाई देने लगी एवं कला के सभी क्षेत्रों में स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला एवं संगीत में प्रधानता के आदर्श अपनाए जाने लगे एवं इसकी बहुत उन्नति हुई। मध्य युग में जहां यूरोप में भाषा का प्रारंभिक विकास हुआ, वहां साथ ही इटली के महत्वपूर्ण साहित्य की रचना भी हो चुकी थी, परंतु 15वीं सदी में इटालियन विद्वानों द्वारा प्राचीन लेटिन एवं यूनानी साहित्य के प्रति आध्यात्मिक रुचि प्रदर्शन के कारण इटालियन लोक भाषा का विकास अवरुद्ध हो गया। इस युग के प्रसिद्ध इटालियन साहित्यकार एवं विद्वान लेटिन एवं यूनानी साहित्य के महान उपासक थे, परंतु अपनी राष्ट्रीय भाषा एवं साहित्यों के प्रति बड़े उदासीन थे। यद्यपि पेट्रोक इटालियन भाषा में सुंदर कविताओं की रचना कर सकता था, परंतु वह ऐसी रचना करने में हीनता का बोध करता था। प्राचीन यूनानी तथा लेटिन साहित्य एवं ग्रंथों की खोज तथा वैज्ञानिक अध्ययन के परिणाम स्वरूप विद्वानों में वैज्ञानिक अवचेतना की प्रवृत्ति जागृत हुई। इस युग में राजाओं या सेनापतियों की अपेक्षा विद्वानों एवं कलाकारों के जीवन चरित्र को पढ़ने व लिखने जाने लगा। पुनर्जागरण के कारण धार्मिक क्रांति व प्रोटो स्टेट धर्म का पुनरुत्थान हुआ। 16वीं सदी के प्रारंभ में यद्यपि सामान्यतः ईसाई पर कैथोलिक धर्म का प्रभाव अक्षुण बना रहा, परंतु सांस्कृतिक पुनरुत्थान के परिणाम स्वरूप जनसाधारण में स्वतंत्र चिंतन एवं धार्मिक विषयों का वैज्ञानिक अध्ययन प्रारंभ हो गया था।
सांस्कृतिक पुनरुत्थान के परिणाम स्वरूप यूरोप के विभिन्न राज्यों में भाषा एवं राष्ट्रीय साहित्य का विकास हुआ। जनसाधारण में जटिल लेटिन भाषा का परित्याग कर अपनी मातृभाषाओं में रचित सरल और बोधगम्य रचनाओं एवं साहित्यों का अध्ययन प्रारंभ कर दिया गया। सांस्कृतिक पुनर्जागरण द्वारा जटिल साहित्य विज्ञान कला एवं बौद्धिक जागृति ने सब जनसाधारण को एक नई स्फूर्ति स्पंद और चिंतन से अनुप्रमाणित कर दिया। अतः सदियों से प्रचलित कैथोलिक धर्म के निर्देशन एवं अधिकारों का पालन करने के लिए लोग अब तैयार नहीं थे। अब वे कैथोलिक चर्च के अधिकारों एवं निर्देशों का विरोध करने लगे, क्योंकि कैथोलिक चर्च का नैतिक स्तर काफी नीचे गिर गया था। अब चर्च की कटु आलोचनाएं होने लगी एवं चर्च के विरुद्ध आरोप लगने लगे। यद्यपि प्रारंभ में चर्च ने आलोचनों व विरोधियों को नास्तिक कहकर धर्म से निष्कासित कर दिया तथा उन्हें सामाजिक शत्रु कहकर मृत्युदंड प्रदान किया, परंतु चर्च के विरुद्ध आलोचनाएं निरंतर बढ़ती ही जा रही थी। वस्तुतः चर्च के विरुद्ध आलोचनाएं आधुनिक युग के आगमन और मध्य युग की समाप्ति के सूचक थे। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ तक यूरोप में सर्वथा नवीन वातावरण उत्पन्न हो चुका था। अब संदेहवाद एवं नास्तिकवाद की वृद्धि हो रही थी, जो कालांतर में कैथोलिक ईसाई जगत के लिए बड़ी घातक सिद्ध हुई। 16वीं सदी के प्रारंभ में उत्पन्न नवीन जागृति ने एक महान धार्मिक क्रांति उत्पन्न कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप कैथोलिक ईसाई धर्म के परंपरागत अधिकारों के विरुद्ध सशस्त्र तथा सक्रिय विरोध आंदोलन प्रारंभ हो गए। यही आंदोलन धर्म सुधार के नाम से विख्यात हुए। आधुनिक युग के प्रारंभ में नवोत्थान ने मनुष्य के बौद्धिक विकास का मार्ग प्रशस्त कर दिया एवं स्वतंत्र चिंतन पद्धति को जन्म दिया। मार्टिन लूथर द्वारा जर्मन भाषा में बाइबल धर्म ग्रंथ का अनुवाद एवं प्रकाशन धर्म सुधार एवं प्रोटेस्टेंट आंदोलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। इन सब के बावजूद विभिन्न क्षेत्रों में भी पुनर्जागरण हुआ। पुनर्जागरण को इंग्लिश में रेनेशा कहते हैं और रेनेशे का अर्थ होता है पुनर्जागरण। मुख्यतः यह पुनर्जागरण यूनान और रोम के प्राचीन शास्त्रीय ज्ञान की पुनर्प्रतिष्ठा का भाव प्रकट करता था। यूरोप में मध्य युग की समाप्ति और आधुनिक युग का प्रारंभ इसी समय माना जाता है। इटली में पुनर्जागरण 1304 से 1367 में हुआ। इटली में इसका प्रारंभ फ्रांसिस्को पेट्राक जैसे लोगों के काल में हुआ। अब इन्हें यूनानी और लेटिन कृत्यों में मनुष्य की शक्ति और गौरव संबंधी अपने विचारों और मान्यताओं का समर्थन दिखाई दिया। 1453 में जब इस्तून तूनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया तो वहां से भागने वाले ईसाई अपने साथ प्राचीन यूनानी पांडुलिपियां पश्चिम ले गए। इस प्रकार यूनानी और लेटिन साहित्यों के अध्येताओं को अप्रत्यक्ष रूप से बाइजेंटाइन साम्राज्य की मूल्यवान विचार सामग्री मिल गई। चार्ल्स पंचम द्वारा रोम की विजय के पश्चात पुनर्जागरण की भावना आल्प्स पर्वत के पार यूरोप में फैल गई। इटालवी पुनर्जागरण में साहित्यों की विषय वस्तु की अपेक्षा उसके रूप पर अधिक ध्यान दिया जाता था। जर्मन में इसका अर्थ श्रम और आत्मसंयम था। इटालवियों के लिए आराम और आमोद प्रमोद ही मानवीय आदर्श था। डच और जर्मन कलाकारों ने, जिनमें हाल्वेन और अल्बर्ट उल्लेखनीय है, शास्त्रीय साहित्य की अपेक्षा अपने आसपास दैनिक जीवन में अधिक रुचि प्रदर्शित की। वैज्ञानिक उपलब्धियों के क्षेत्र में जर्मन इटली से आगे निकल गया। इटली के पंडितों और कलाकारों का फ्रांसीसियों पर सीधा और प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा, किंतु उन्होंने अपनी मौलिकता को प्राचीनता के प्रेम से विलुप्त नहीं होने दिया। अंग्रेजी पुनर्जागरण जॉल कोले और सर टॉमस मोर के विचारों से प्रभावित हुआ। मेक्यावली की पुस्तक द प्रिंस में राजनीतिक पुनर्जागरण की सच्ची भावनाओं का दर्शन होता है। ज्योतिष शास्त्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए और गणित, भौतिक, रासायनिक शास्त्र, चिकित्सा, जीव विज्ञान,
और सामाजिक विज्ञान में बहुमूल्य योगदान हुए। यूनानी और रोमन साहित्य का अनुशीलन पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता थी। प्रत्येक शिक्षित यूरोपवासी के लिए यूनानी और लेटिन की जानकारी अपेक्षित थी। मानवतावाद का सिद्धांत था कि लौकिक मानव के ऊपर अलौकिकता, धर्म और अवैराग्य को महत्व नहीं मिलना चाहिए। मानववाद ने स्वानुभूति और पर्यावरण के विकास में व्यक्तिवाद को जन्म दिया। 15वीं शताब्दी में एक तीक्ष्ण मानवतावादी इतिहासकार लोरेंजो वेला ने यह सिद्ध कर दिया कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन का चर्च को कथाकथित दान वास्तव में जालसाजी था। पुनर्जागरण सचमुच वर्तमान युग के प्रारंभ का प्रधान विषय था। सामाजिक और आर्थिक मूल्यों ने व्यक्ति की जीवन धारा को मोड़ते हुए इटली और जर्मनी में एक नए और शक्तिशाली मध्य वर्ग को जन्म दिया। इस प्रकार बौद्धिक जीवन में एक क्रांति पैदा की। पुनर्जागरण और सुधार आंदोलन दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध है, किंतु दोनों आंदोलन प्राचीन परंपराओं से प्रेरणा लेते हैं और नए सांस्कृतिक मूल्यों का निर्माण करते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि पुनर्जागरण इटली में पैदा होकर पूरे यूरोप महाद्वीप में फैल जाता है और 19वीं शताब्दी में भारत में पुनर्जागरण की गूंज होने लगती है। जय हिंद, जय भारत।